हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिस स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण टॉपिक, मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापन यंत्र। फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके अलावा हम ट्रिक के माध्यम से याद कराने की भी कोशिश करेंगे सभी मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करें सबसे पहले, जानते हैं मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, मापन यंत्र कहते किसे हैं। तो वे उपकरण, वे इंस्ट्रूमेंट जिसका उपयोग किसी राशि को मापने के लिए, मीजरमेंट करने के लिए किया जाता है, वो सभी हमारे मापन यंत्र, मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। बात करें हमारे मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो हमारा पहला मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा ऑडियोमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑडियोमीटर का मतलब क्या हुआ, ऑडियो, ऑडियो मतलब ऑडियो क्या है हमारा, ऑडियो रिलेट करेंगे साउंड से, ठीक है। तो साउंड, इसका मतलब ऑडियोमीटर का मतलब है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, हमारा ऑडियोमीटर का, जिसका पिक्चर आप यहां देख सकते हो, ये इसकी पिक्चर है, ठीक है। क्या है ये, ऑडियोमीटर। तो ऑडियो मींस साउंड, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड मीजर करने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो है ऑडियोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओडोमीटर। ऑडियोमीटर और ओडोमीटर कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन ओडो, ओडो का मतलब क्या होता है, ओडोमीटर देखा भी होगा वाहनों में लगा होता है, जो हमारा स्पीडोमीटर होता है उसी टाइप का होता है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा ओडोमीटर, ऑडियोमीटर नहीं, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का मतलब है वाहन द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस। तो ये किसके द्वारा मीजर की जाती है, हमारे ओडोमीटर के द्वारा। ये देखा होगा आपने, ये व्हीकल्स में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ओडोमीटर। तो ऑडियोमीटर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ओडोमीटर हमारी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एनी व्हीकल, ठीक है। यदि बात करें हम ऑल्टीमीटर, तो एल्टीट्यूड सुना होगा ना आपने, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट, ठीक है। उस हाइट से रिलेट करेंगे हम एल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का मतलब क्या हुआ, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो मीजरमेंट ऑफ हाइट, ऊंचाई का मापन किसके द्वारा किया जाता है, हमारा अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर ये देख सकते हो, ये क्या है हमारा, ऊंचाई का मेजरमेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा एमीटर। तो एमीटर लगा हुआ देखा होगा आपने, तो एमीटर के किसके लिए मेजरमेंट करता है, तो ये तो देखा ही होगा, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है सब में यूज होता है मेनली, ठीक है। तो एमीटर, तो एमीटर यूज होता है हमारा करंट का मेजरमेंट करने के लिए, मतलब कि करंट मतलब कि विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का मेजरमेंट किसके द्वारा होता है, एमीटर। विद्युत धारा का मापन, करंट का मापन एक और यंत्र है हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। लो इंटेंसिटी करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है गैल्वेनोमीटर। वोल्टेज भी मेजर करता है, विभवांतर भी, और हमारा करंट भी, ठीक है। लेकिन यदि बात करें विद्युत धारा का मेन मापन करने के लिए किसका यूज होता है, हमारा एमीटर, जो कि आप इस डायग्राम के अंदर देखते हो। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीनोमीटर। तो ऑक्सीनोमीटर की बात करें तो ये हमारा ऑक्सीनोमीटर है, डायग्राम में देख सकते हो, इसका मतलब है पौधे की वृद्धि, मतलब कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की ग्रोथ मेजर करने के लिए किसका यूज होता है, हमारा ऑक्सीनोमीटर। तो ऑक्सीनोमीटर का यूज होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट का मेजरमेंट करने के लिए, पौधों की वृद्धि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा हाइग्रोमीटर। तो ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड है, एक होता है हमारा हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। एक होता है हाइग्रो, एक होता है हाइड्रो। तो हाइड्रो तो हम जानते हैं, जहां हाइड्रो आ गया, हाइड्रो रिलेटेड टू वाटर, मतलब कि पानी से रिलेटेड होता है, जल से रिलेटेड होता है हमारा हाइड्रो। तो इसका मतलब हाइड्रो, हाइड्रो जहां आया वहां पानी, सुना होगा ना आपने हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, जहां पर हमारे प्रवाह से जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर है, उसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजली का उत्पादन करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो जहां आ गया वाटर से रिलेटेड है, इसका मतलब हाइड्रोमीटर क्या है, हमारा जो हाइड्रोमीटर आएगा वो है जल का आपेक्षिक घनत्व। इसका मतलब ये ऊपर नीचे हो गया, तो ये जो जल का आपेक्षिक घनत्व है, इसका मेजरमेंट होता है हमारा हाइग्रोमीटर के द्वारा। इसका मतलब ये इसका आंसर है। और हाइग्रो की बात करें तो हाइग्रो मीन्स होता है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। इसका मतलब जहां हाइग्रो दिख जाए, समझ जाओ वहां पे जो एयर है उसकी ह्यूमिडिटी, मतलब कि हवा की आर्द्रता मापन करने के लिए यूज होता है हमारा हाइग्रोमीटर का। हाइड्रो मीन्स वाटर, मतलब कि जल का अपेक्षित घनत्व, मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर मेजर करने के लिए यूज होता है हमारा हाइड्रोमीटर। जबकि हाइग्रो मीन्स, हाइग्रो का मतलब होता है हमारा ह्यूमिडिटी, और मीटर मीन्स क्या होता है, मेजरिंग डिवाइस। तो मतलब कि जो हवा की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को मापन करेगा वो है हमारा हाइग्रोमीटर। फिर उसके बाद बोलोमीटर। तो बोलोमीटर सिंपल है, ये देखा होगा आपने जो डायग्राम है, बोलोमीटर। तो बोलोमीटर का काम होता है ताप परिवर्तन, टेम्परेचर डिफरेंस का मेजरमेंट करने के लिए। तो टेम्परेचर डिफरेंस का मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। ये क्या है हमारा, ये हमारा आ जाएगा क्या, बोलोमीटर, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस, ये वाला पोर्शन, ये,
ठीक है, तो क्या होगा इसका, इसका काम होगा ताप में परिवर्तन, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस का मापन करने के लिए हम बोलोमीटर का यूज करते हैं। पॉलीग्राफ देखा होगा, गॉड तू सी ग्रेट हो, उसमें सलमान खान और सोहेल खान को बैठाया जाता है, ठीक है। तो पॉलीग्राफ क्या है, पॉली पॉली मीन्स क्या होता है, झूठ, और ग्राफ का मतलब क्या है, एक ऐसा यंत्र जो किसका पता लगाएगा हमारा, पॉलीग्राफ का मतलब हुआ जो झूठ का पता लगाएगा, ऐसा यंत्र। तो पॉलीग्राफ की बात करें तो पॉलीग्राफ है झूठ का पता लगाने वाला एक यंत्र, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ऐसे बैठा दिया जाता है, उसकी हार्ट बीट से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच। फिर आते हैं कार्डियो, तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं हृदय विशेषज्ञ जो हमारे डॉक्टर होते हैं उन्हें, तो कार्डियो जहां जाए समझ जाओ हृदय से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का विशेषज्ञ है। तो कार्डियोग्राफ का मतलब हुआ, ग्राफ क्या है, मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, कोई भी मेजरिंग डिवाइस मतलब कि मापने का यंत्र, इसका मतलब कार्डियोग्राफ का मतलब हुआ हृदय की गति मापने वाला एक यंत्र, तो ये हो जाएगा हमारा कार्डियोग्राफ। तो आई थिंक आपको ये पांचों क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें तो मैनोमीटर, तो मैनोमीटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैनोमीटर सुने होंगे, पीजीओ, पीजीओ मैनोमीटर, ठीक है, पीजीओमीटर डिवाइस होती है, वो भी प्रेशर का मेजरमेंट करती है, जैसे एटमोस्फेरिक प्रेशर मापना है, ठीक है, तो तब किसका यूज करते हैं हम, बैरोमीटर का। लेकिन यदि बात करें प्रेशर डिफरेंस मीजर करना है तो हम मैनोमीटर यूज करते हैं, जैसे डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड मैनोमीटर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये गैस का दाब पता लगाने के लिए यूज किया जाता है इनका, गैस का दाब। तो गैस का दाब किसके द्वारा मेजर किया जाता है, हमारा मैनोमीटर, ठीक है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो। बात करें गैल्वेनोमीटर, तो मैंने पीछे बताया था गैल्वेनोमीटर का काम होता है विद्युत धारा की उपस्थिति में मापेगा, मतलब कि उसका तो इंटेंसिटी ऑफ करंट था, लेकिन इसका है विद्युत धारा की उपस्थिति, मतलब कि जो करंट है उसका प्रवाह हो भी रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। इसके अलावा ये वोल्टेज डिफरेंस भी मेजर करता है, पोटेंशियल भी डिफरेंस, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, उसका भी मेजरमेंट किया जाता है हमारा गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। इसी में हम सीरीज में और पैरेलल में लगा के रेजिस्टेंस को हम क्या बना देते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर। यदि बात करें वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर तो नाम से ही क्लियर है, क्या होगा वोल्टेज, मतलब कि वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, हमारा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की डिवाइस जो है उसका नाम क्या है, विभवांतर मापने के लिए किसका यूज करते हैं हम, वोल्टमीटर का। देख सकते हो ये क्या है हमारा वोल्टमीटर, ये क्या है हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ऐसा ही होता है हमारा एमीटर, एमीटर होगा हमारा करंट मेजरमेंट डिवाइस, ठीक है, गैल्वेनोमीटर करंट और वोल्टेज दोनों, और वोल्टमीटर होता है हमारा विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो यूज होता है उस डिवाइस को बोलते हैं वोल्टमीटर, ठीक है। फिर आता है सिज्मोग्राफ, तो सिज्मोग्राफ की बात करें तो जहां सिज्मो आ गया समझ जाओ, सिज्मो का मतलब ही होता है, मींस होता है, सिज्मो मींस होता है जहां सिज्मो आ जाए, अर्थक्वेक, तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है हमारा सिज्मोग्राफ, ठीक है। तो यदि हमें भूकंप की तीव्रता मापनी है तो वो किसके द्वारा मेजर की जाएगी, ये डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ये है हमारा सिज्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र, ठीक है। तो सिज्मो जहां जाएगा वो समझ जाएंगे हम क्या है, सिज्मोग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है ये। तो सिज्मोग्राफ का मतलब क्या होगा, हमारा भूकंप मापी यंत्र। फिर थर्मोमीटर, तो ये तो सब जानते हैं, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर है, यदि बात करें डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, यदि बात करें हम डिग्री फारेनहाइट में तो जो हमारे डॉक्टर मेजर करते हैं, ठीक है, कितना 98.6 डिग्री फारेनहाइट हेल्दी पर्सन का है, इससे ऊपर है तो समझ जाओ फीवर है, ठीक है। यदि केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है हमारा क्या, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये किसका, ये तो पता ही है, टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है थर्मोमीटर, ठीक है, देखा भी होगा, ये तो डिजिटल भी आने लगे हैं, पहले हमारे क्या होते थे, मैनुअल होते थे, अब डिजिटल भी हैं, ठीक है, पहले एनालॉगस होते थे, अब डिजिटल है। तो थर्मोमीटर का काम क्या है, ताप मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है थर्मोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी कैरेट मीटर, तो कैरेट मीटर का मतलब क्या, कैरेटोमीटर या कैरेट मीटर, तो कैरेट हमने सुना होगा 24 कैरेट प्योर गोल्ड, 22 कैरेट, 18 कैरेट, ठीक है। तो 24 कैरेट इक्वल टू होता है हमारा 100% प्योर गोल्ड, ठीक है। तो कैरेट समझ गए, तो कैरेट का मतलब क्या है, शुद्धता, तो इसका मतलब कैरेट, और यूज कहां होता है, सोने की शुद्धता में, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैरेटोमीटर का मतलब है सोने की शुद्धता मेजर करने का एक यंत्र, मापन करने का क्या है, यंत्र। ये यहां पे देख सकते हो डायग्राम के अंदर, इस तरीके से मेजर किया जाता है। बात करें स्टेथोस्कोप, तो देखा होगा हम इसे डोमेस्टिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आला, जिसका डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा आला है, ठीक है। तो इसका स्टेथोस्कोप का काम क्या है, हमारा हृदय की धड़कन, मतलब कि जो हमारी हार्ट बीट है, इन्हें मापने के, इन्हें सुनने के लिए क्या होता है, इसका यूज होता है। बात करें फैदोमीटर, तो मैंने तीन चीज बताई थी इससे पहले, हम इसी लेक्चर, इसी चैनल पे लेक्चर कवर कर चुके हैं, उसके अंदर मैंने जो हमारे समुद्र की गहराई है, इससे रिलेटेड समुद्र के अंदर दूरी किसमें मेजर की जाती है, तो नॉटिकल मील में, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो नॉटिकल मील में। यदि वेलोसिटी की, स्पीड की बात करें तो नॉट में, KNOT, नॉट, नॉट में, गहराई फैदोमीटर में, ठीक है। तो समुद्र की गहराई मापने का यंत्र होता है हमारा फैदोमीटर, समुद्र की गहराई मापने के लिए,
यूज किया जाता है। बात करें एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर होता है वायु की गति, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर मेजर करने के लिए किसका यूज होता है, एनीमोमीटर। ये देख सकते हो, ये है हमारा एनीमोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा फोनो। तो फोनो जहां भी आएगा, जैसे ग्रामोफोन हो गया, तो ग्रामोफोन क्या है, एक डिवाइस है जो किसकी किसे मेजर कर रहा है, साउंड को। इसका मतलब ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फोनोमीटर का। तो फोनो मीन्स ध्वनि मतलब साउंड, और मीटर मीन्स मेजरिंग डिवाइस। तो ध्वनि की तीव्रता मेजर करने वाली डिवाइस क्या है हमारी, फोनोमीटर। देख सकते हो यहाँ पे, ये है हमारा फोनोमीटर, ठीक है। तो हमने देखा कैरेटोमीटर मतलब कि सोने की शुद्धता, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनियां सुनने के लिए, फेदोमीटर समुद्र की गहराई, एनीमोमीटर वायु गति मापने के लिए, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें हमारा पायरोमीटर, तो दो दो नाम मेनली सुनने को मिलेंगे आपको, एक होता है पायरोमीटर, एक होता है क्रायोमीटर। क्रायो का मतलब है लोएस्ट टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, और पायरो का मतलब वेरी हाई टेम्परेचर। यदि पायरोमीटर होता है यहाँ पे, तो पायरोमीटर जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, पायरोमीटर का मतलब होता है हमारा उच्च ताप मापने का एक यंत्र, ठीक है। तो ये है पायरोमीटर, ठीक है। यदि बात करें हम यहाँ पे होता हमारा क्रायोमीटर, तो क्रायो का मतलब होता है लोएस्ट टेम्परेचर, ये तो वेरी हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है पायरोमीटर, और वेरी लो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होती है हमारी क्रायोमीटर, ठीक है। तो क्रायो मतलब कि वेरी लो टेम्परेचर, क्रायोजेनिक सुना होगा आपने, मतलब कि लो टेम्परेचर पे जब स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक। तो क्रायोमीटर होता है तो लोएस्ट टेम्परेचर को मेजर करने का, और पायरोमीटर है तो इसका मतलब क्या होगा हमारा उच्च ताप, मतलब कि हाई टेम्परेचर को मेजर करने का एक डिवाइस। फिर आते हैं हमारा पायरेलियोमीटर, ठीक है, या पायरो हेलियोमीटर आएगा यहाँ पे लिखा हुआ। तो पायरो हेलियोमीटर का मतलब क्या है, ये है सोलर रेडिएशन, जो सन की रेडिएशन है हमारी विकिरण है, उन्हें मापने का यंत्र है हमारा क्या, पायरो हेलियोमीटर, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ये है देख लो आप पिक्चर के अंदर, ठीक है। बात करें हम स्फिग्मोमीटर, तो ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। पहले मैनुअल आते थे, मैकेनिकल आते थे, लेकिन अब हमारे डिजिटल आने लगे हैं, जिससे हम क्या करते हैं, यदि हाइपरटेंशन है बीपी हाई बोलते हैं, लो है तो क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन, हाइपो या हाइपर, हाइपर मतलब कि बीपी हाई, हाइपो मतलब कि बीपी लो। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने की जो डिवाइस है ये रखते हैं, पहले ये यूज होती थी मैनुअली, लेकिन अब तो डिजिटल आने लगी है, ठीक है। तो स्फिग्मोमीटर बोलते हैं इसे, तो जिसका डॉक्टर भी यूज करता है। तो स्फिग्मोमीटर का काम क्या है, रक्तचाप मतलब कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम है हमारा स्फिग्मोमीटर का। उसके बाद है हमारा स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, तो स्पेक्ट्रम मेजर की जाएंगे, तो इसका मतलब स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का मतलब है सूर्य की फोटोग्राफी उपकरण, मतलब कि जो सूर्य की फोटोग्राफी है उसे लेने के लिए किसका यूज होता है हमारा, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का, ठीक है। हीलियो जहां जाए समझ जाओ सनसेट कोई ना कोई चीज है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा फोटोग्राफी लेने के लिए। तो हमने ये देख लिए पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए, पायरो हीलियोमीटर सोल जो हमारा सोलर रेडिएशन है सौर विकिरण मापने के लिए, स्फिग्मोग्राफ रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ मतलब कि सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है एक, ठीक है। उसके बाद बात करें हम तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। बात करें पायरोमीटर, तो पायरो मैंने बताया था अभी, क्रायो लोएस्ट टेम्परेचर, पायरो हाईएस्ट टेम्परेचर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर तो तुरंत समझ जाओ उच्च ताप मापने की एक डिवाइस है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करें हम महासागर, हा सागर हो गया ये गलती से, हमारी जो एसवीएस फैमिली है कुछ ऐसी है, हैवी ड्राइवर है थोड़े, ठीक है। तो कुछ भी लिख देते हैं कहीं भी, तो ये क्या है यहाँ पे आएगा हा सागर की जगह महासागर। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने देखा गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर तो इंटेंसिटी ऑफ मतलब की उपस्थिति, करंट की उपस्थिति, और हमारा वोल्टेज मेजर डिवाइस ही, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑडियोमीटर, ऑडियो मतलब साउंड, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजरिंग डिवाइस थी। एनीमोमीटर मतलब कि प्रेशर। बात करें सोनार, तो सोनार क्या है हमारा, साउंड नेविगेशन एंड रेगिंग, सोनार ही यूज होता है हमारा किसके लिए, हमारी जो डूबी हुई वस्तुएं हैं उनका पता लगाने के लिए। समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं हमारे, फेदोमीटर में। यदि बात करें समुद्र की दूरी किसमें नापते हैं, नॉट में। और समुद्र की डिस्टेंस किसमें, समुद्र के अंदर डिस्टेंस किसमें नापते हैं हमारा, एक नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1.852 मीटर, किलोमीटर। यदि बात करें हम एक मील इक्वल टू, जो मील होता है नॉर्मल वो होता है 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पता होगा आपको, मैंने जो यूनिट्स इकाई वाला जो लेक्चर लिया था डिटेल में, उसके अंदर ये सारी चीजें हमने कवर कराई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है, तो अभी हमने देखा था सिस्मोग्राफ, तो जहां सिस्मो आ जाए समझ जाओ क्या है हमारा, भूकंप से रिलेटेड, तो ठीक है ये। तो फेदोमीटर मतलब समुद्र की गहराई, ये भी ठीक है। उसके बाद बात करें वोल्टमीटर, तो विभवांतर मापने की डिवाइस है, ये भी ठीक है। मैनोमीटर, तो मैनोमीटर क्या बताया था, मैनोमीटर एक डिवाइस है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड मैनोमीटर, इसके द्वारा मेजर किया जाता है हमारा प्रेशर, जबकि यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है रक्तचाप, जो कि किसके द्वारा मेजर किया जाता है हमारा,
स्फिग्मोमीटर के द्वारा। तो ये ही गलत है, इसका मतलब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो कार्डियोग्राफ पता है हमें किससे रिलेटेड, कार्डियोग्राफ हृदय से सही है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए सही है। कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर अभी देखा था हमने, सोने की शुद्धता, तो यही गलत हो गया हमारा। तो क्या है ये, सोने की शुद्धता मेजर करने के लिए यूज होता है। स्टेथोस्कोप जानते हैं, जो हमारी हार्ट बीट है इसके लिए यूज होता है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात करें पौधे की वृद्धि, तो पौधे की वृद्धि क्या थी हमारा, पौधे की वृद्धि जो जिसके द्वारा मेजर की जा रही थी वो थी हमारा ऑक्सीनोमीटर, ऊपर ही दे दिया। बात करें अल्टीमीटर, तो ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट मेजर करने की डिवाइस है। ऑडियोमीटर मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ऑडियो मतलब कि साउंड। ठीक है, ओडोमीटर मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल, व्हीकल द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसे मेजर कहते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ऑक्सीनोमीटर। ठीक है, मतलब कि ये हमने क्या कर लिया, ये इससे रिलेटेड जो भी हमारे जितने क्वेश्चन थे जो पूछे जा सकते हैं वो सारे हमने इसके अंदर कवर कर लिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।